नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भाजपा का 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ होने जा रहा है। इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद राकेश सिंह ने दावा किया है कि 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान में होने जा रहे महाकुंभ में पार्टी कार्यकर्ताओं का किसी भी राजनीतिक दल का विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें आने वाले कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल पर भोजन के साथ राजधानी के बाहर जाने वाले चार रास्तों पर भी खान पान की व्यवस्था की गई है। उनका यह भी कहना है कि पूर्व में 2008 और 2013 को हुए महाकुंभ में यह सबसे बड़ा होगा। शुक्रवार को जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे राकेश सिंह ने जब मीडिया ने खर्चों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने उसे टाल दिया। साफ है कि इसमें भारी भरकम रकम खर्च होगी। 12 करोड़ खर्च सिर्फ बसों पर किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 10,000 बसों के आने की संभावना है। इस बार महाकुंभ में कार्यकर्ताओं को भोपाल के जम्बूरी मैदान तक पहुंचाने के लिए औसत 600 किलोमीटर बसें चलेंगी। इस हिसाब से लगभग 24 करोड़ खर्च होना चाहिए, लेकिन आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि इसका आधा यानी 12 करोड़ ही खर्च होगा। जो सड़क जनता के लिए बननी चाहिए थी वो अब महाकुंभ के लिए बनाई जा रही है। जी हाँ, भेल क्षेत्र से जम्बूरी मैदान तक जाने वाली सड़क में काफ़ी गड्ढे हैं, जिसकी वजह से आम जनता रोज परेशान होती है। लंबे समय से स्थानीय लोग इसे दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस सड़क पर कोई काम नहीं हुआ था। अब चूंकि भाजपा के महाकुंभ की बात है तो इस सड़क को अब आनन फानन में तेजी से बनाया जा रहा है। डोम टेंट लाइट व मंच व्यवस्था पर 15 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। डोम टेंट लाइट सिस्टम मंच व्यवस्था 40 से अधिक एलईडी और साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। साथ ही स्टेशन पर तमाम व्यवस्थाओं के साथ होर्डिंग्स व 3 राज्यों से लाखों की तादाद में कुर्सी मंगाई गई है। टिकट की चाह रखने वाले नेताओं के साथ अन्य नेता व कार्यकर्ता करीब 8 से 10 हजार व्यक्तिगत वाहनों से आएंगे व 8 से 10 ट्रेनों में भी नेता व कार्यकर्ता भोपाल पहुंचेंगे। इस पर भी 7 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। करोड़ का भोजन जिसमें बालूशाही, छोले, सब्जी, रायता, पूड़ी और दाल चावल होगा। भाजपा का दावा है कि 10 लाख कार्यकर्ता आएंगे। यदि 5 लाख लोगों के आने का भी अगर अनुमान लगाएं तो इसके भोजन के खर्च का आंकलन करें तो प्रति व्यक्ति 50 रुपये व्यय होगा। इस हिसाब से 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे। सरकार की सरकार है तो जाहिर है कि सरकारी सुविधा तो मिलेगी ही। नगर निगम व शासन की ओर से रोड का निर्माण, ग्राउंड की लेवलिंग, पानी, बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर और बिजली की व्यवस्था के साथ पुलिस की मौजूदगी का व्यय अलग है। भाजपा के महाकुंभ पर हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा कुछ प्रकाश डालेंगे। सत्यम, महाकुंभ होने जा रहा है, क्या जायजा लिया आपने शहर में? जी, पूरे के पूरे मामले में अगर हम भोपाल के महाकुंभ की बात करें तो भोपाल के महाकुंभ को बीजेपी एक ऐसा बड़ा आयोजन के रूप में दिखाना चाहती है। एक तरह से ये एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन है जो भारतीय जनता पार्टी इसके रूप में पूरे विश्व में ये संदेश देना चाहती है। जिस तरह से बीजेपी ने पहले भी मिस कॉल के थ्रू जो सदस्यता अभियान चलाया था और उस समय ये घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसके पास इतने अधिक सदस्य हैं, अब उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी एक और रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जो कल से शुरू होने वाला जो महाकुंभ है, कार्यकर्ता महाकुंभ, उसमें 10 लाख लोगों को लाने का जो दावा बीजेपी ने किया है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत अधिक महत्वाकांक्षी पार्टी के रूप में या बहुत अधिक अतिशयोक्ति के रूप में पार्टी के दावे सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ की तैयारियां की जा रही है और जिस तरह से विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए नाक का बाल बने हुए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव, उसे देखते हुए ये भी
नहीं सोचा जा सकता कि आखिर इतने बड़े आयोजन की जरूरत आखिर एक पार्टी को क्यों पड़ी और ऐसी पार्टी ऐसे समय में आयोजन किया जा रहा है जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार हैट्रिक लगा चुकी है और चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। हालांकि अगर प्रदेश सरकार के बजट की हम बात करेंगे तो प्रदेश सरकार इस समय ओवरड्राफ्ट की स्थिति में सरकार क्योंकि एससी एसटी एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट के कारण इस समय आपने सही का नाक का बाल बना हुआ है और ऐसे में उनको इतने बड़े महाकुंभ की जरूरत पड़ी है। देखिए एसटी एससी एक्ट का जो विरोध है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं उनमें डर बना हुआ है, लगातार जिस तरह से उनका लगातार विरोध हो रहा है और जो सपाक्ष है करणी सेना उन्होंने आज भी यही कहा है कि कल अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह आएंगे भोपाल में तो उनका फिर विरोध किया जाएगा। यानी एसटी एससी एक्ट जो है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है और यही संदेश इस जो महाकुंभ में से देने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि सपाक्ष के जो लोग हैं या सवर्ण जो है उन्हें ये संदेश जाए कि उनके पास बहुत कार्यकर्ता हैं, वो सरकार बना सकते हैं अगर सवर्ण उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन ये उन पर उल्टा भारी पड़ेगा क्योंकि इस तरह के आयोजनों से जनता के मन में एक छवि जाती है कि आखिर एक राजनीतिक पार्टी जिसकी सरकार प्रदेश में है वो खुद जिसके पास वेतन देने तक के पैसे बहुत कम बचे हुए हैं वो सरकार इतना बड़ा आयोजन कर रही है, उसके लिए कार्यकर्ताओं को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें लाई गई हैं, एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म उनको डेडिकेट कर दिया गया है। आखिर इसकी जरूरत क्या है लोकतंत्र में, आखिर इसकी जरूरत कहाँ है? सत्यम मंत्री जी स्पेशल ट्रेन चलाए ला रहे हैं, 20 लाख रुपए उन्होंने अपनी जेब से खर्च करके एक ट्रेन स्पेशल बुलवाई है भोपाल, उसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस पूरे के पूरे मामले में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को सख्ती करनी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर मंत्री इतना बड़ा जो कीमत है वो चुका रहे हैं कार्यकर्ताओं को लाने की तो आखिर मंत्री जब अपने एफिडेविट भरते हैं चुनाव के समय में तब उनकी संपत्ति क्या होती है और आखिर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इस पर हालांकि चुनाव आयोग पहले ही भी कह चुका है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो आयोजन होंगे उन पर उनकी नजर बनी हुई है, लेकिन क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है तो मुझे लगता है कि आयकर विभाग को भी इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान में लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि आखिर कोई राजनीतिक पार्टी इतना बड़ा आयोजन कर रही है, इतना बड़े अमाउंट में अगर उन्होंने ये घोषणा की 50 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी खर्च होंगे क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति दिखानी है, तो वो पैसे हैं उनका आखिर कहां से वो पैसे आएंगे, कहां वो पैसे जाएंगे, किस तरह से खर्च होंगे और कौन कौन लोग उनको लाएंगे? मुझे लगता है इस पर कड़ी नजर बनाए रखनी चाहिए, जो जो आयकर की जो इनकम टैक्स कड़ी नजर होनी चाहिए आयकर विभाग की भी और चुनाव चुनाव आयोग की भी कड़ी नजर होनी चाहिए। सत्यम एक चीज और पूछना चाहूंगी, अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है और कहीं ये मान ले कि कार्यकर्ता खिन्न भिन्न हो चुके हैं, कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, कुछ नेता नाराज हैं, जिसके लिए इनको इतना बड़ा महाकुंभ करना पड़ रहा है और पूरा शहर होर्डिंग से छान दिया। आयोजन न केवल जनता को प्रभावित करने के लिए बल्कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए है क्योंकि पिछले 15 सालों में जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार रही है और जिस सरकार में खुद उनके विधायकों की नहीं सुनी गई, अधिकारियों की लगातार विधानसभा में भी ये कहीं ना कहीं विधायक प्रश्न उठाते रहे हैं कि अधिकारी मंत्रियों तक की नहीं सुनते, ऐसे में कार्यकर्ता का गुस्सा होना लाजमी है और जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार लंबे समय तक जो गुस्सा रहे हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं चुनाव में जरूर देखने को मिलता है क्योंकि किसी भी पार्टी की जीत उसके कार्यकर्ता दिलाते हैं। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं या तो उदासीन हो गए हैं या तो वो में है, उनको मनाने की एक बड़ी कवायत है, इतना बड़ा आयोजन के पीछे कहीं ना कहीं वो मंशा भी जरूर बीजेपी की दिखाई देती है। जी शुक्रिया सत्यम, जैसा कि सत्यम ने बताया और देखने में भी आया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ नाराज चल रहे हैं और एट्रोसिटी एक्ट के बाद मध्य प्रदेश में हालात बीजेपी के बहुत खराब हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इस पे क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस बेशर्मी के साथ सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है अपने कार्यक्रम के लिए, ये जो महाकुंभ हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। आज से 10 दिन पहले जब हमारे राहुल गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे तो राहुल गांधी जी के जनता के पैसे, जनता ने जो पोस्टर लगाए बैनर लगाए उनको नगर निगम की गाड़ियाँ उतार रही थी खम्भों खम्भों से, और आज वही नगर निगम की गाड़ियां सरकारी डीजल पेट्रोल से सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बैनर पूरे शहर में लगा रही हैं। वीडियो उपलब्ध हैं, कर्मचारी कह रहे हैं कि साहब हम क्या करें, हम नहीं लगाना चाहते मगर हमारे लिए अफसरों के आदेश हैं। इस निर्लज्जता से जनता के पैसे के करोड़ों रुपयों की बर्बादी ये सरकार कर रही है और ये एक तरह से जनता के साथ एक अपराध भरा काम है।
इसके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई संभव होगी हम लोग चुनाव आयोग को भी बताएंगे और इसके बाद जो भी और वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी उस पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जनता को ये जानना चाहिए कि किस तरीके से एक एक आदमी को, पैदा होने वाले बच्चे को 20,000 के कर्जे में डाल दिया इस सरकार ने, और इसके बाद भी लूट चल रही है। इसके बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी के निजी कार्यक्रम करने की जिम्मेवारी जनता की है, जिसके टैक्स का पैसा चुराया जा रहा है और जिसका टैक्स पैसा ये खर्च किया जा रहा है। 25 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का दावा है कि यह सबसे बड़ा महासम्मेलन है, राजनीतिक क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा महासम्मेलन है, जिसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। कि हमारे पीछे दिखाएं, ये बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ देखने को पोस्टर्स मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ राकेश सिंह भाजपा अध्यक्ष की भी फ़ोटो लगाई गई है। बड़े बड़े बैनर और फोटो में भी महासम्मेलन की बातें दिखाई गई हैं, कितने लोग शामिल होंगे। हालांकि खर्च का भी बताया गया है कि लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सम्मेलन की खासियत ये रहेगी कि 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। हालांकि ये वादे राकेश सिंह बीजेपी के, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के हैं। देखते हैं कल 25 सितंबर को क्या होगा। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के विधायक सर्वेश्वर राव की हत्या कर दी गई है। हत्या अज्ञात माओवादियों ने गोली मारकर की है। ये वारदात विशाखापट्टनम जिले में हुई है। खबर है कि उनके साथ उनके पीए की भी माओवादियों ने हत्या कर दी है। सर्वेश्वर राव YSRCP से अलग होकर TDP में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में वे मंत्री भी थे। क्या है पूरी वारदात, इस पर बात करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से विशेष संवाददाता संजीव पचौड़ी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्या है पूरी वारदात? दरअसल ये तेलुगु देशम पार्टी के कार्यक्रम में आए हुए थे विधायक सर्वेश्वर राव और वहीं के अरकू के पूर्व विधायक बृजदीप सोमा जी। इन लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। इनके साथ में जो इनके सुरक्षाकर्मी गए हुए थे, जिसमें से एक सुरक्षाकर्मी को ही मार दिया उन्होंने और दो सुरक्षाकर्मियों को साथ में अपहरण करके ले गए हैं। हालांकि जिनको अपहरण करके ले गए हैं उसकी अभी तक पुष्टि कोई नहीं कर रहा है या उनकी क्या स्थिति है या कहाँ है वो लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद अरकू थाना को विधायक के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। काफी बड़ी संख्या वहां पे बहुत विवाद हुआ है। विवाद के बाद में मृतकों को शरीर को ले जाने से रोका जा रहा था विशाखापट्टनम के लिए और बड़े मुश्किल से पुलिस वालों ने, स्थानीय पुलिस ने उनको वहां से हटा पाया है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 5 साल पहले झीरम में कांड हुआ था, जिसमें 30 कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को मार दिया गया था और अब ये विधायकों को मारा गया है। चुनाव सामने में है, कहीं ना कहीं नक्सलवादी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजनीतिक गठजोड़ जो है बहुत पहले रहे हैं नक्सलियों के साथ में, वो अब खुल के सामने आ रहे हैं जी। संजीव, कहीं ये भी देखा जा रहा है कि बाकी मंत्री और नेताओं की भी जान को खतरा बना हुआ है? जी, बता दूं आपको कि आंध्र प्रदेश में और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन सबकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अलर्ट पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश में जनप्रतिनिधियों को कहा गया है कि वो भी कभी कहीं मूवमेंट ना करें जी। कहीं भी किसी भी हमला हो सकता है। इसके पहले बस्तर में भी कई सरपंचों को, कई जनपद सदस्यों को भी बीजापुर में, सुकमा में नक्सली मार चुके हैं तो अब ये कहीं ना कहीं नक्सली पुलिस के साथ सीधी मुठभेड़ ना करके बड़े लीडरों को अपना टारगेट बनाएंगे और जितना प्रचार उनको चाहिए, जितनी दहशत उनको फैलानी है वो फैलाएंगे जी। शुक्रिया संजीव। मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष पद्मा शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है। वे काफी समय से बीजेपी से नाराज चल रही थी। सूत्रों की माने तो पद्मा शुक्ला अब कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि पूर्व राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके भी आज कांग्रेस में प्रवेश ले सकती हैं। भिंड जिले में एक बार फिर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य को सवालों के विरोध का सामना करना पड़ा। मंत्री लाल सिंह आर्य जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत निरामय योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मंत्री के पहुंचने की जानकारी लगते ही सैकड़ों की संख्या में सवर्णों द्वारा काले झंडे दिखाकर मंत्री को कार्यक्रम में जाने से रोकने की कोशिश की गई।
हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस की सुरक्षा के बीच मंत्री कार्यक्रम में शामिल हो सके। सवर्णों द्वारा काले कानून का विरोध किया गया, मंत्री को कार्यक्रम में जाने से भी रोका गया। पुलिस ने अस्पताल के मुख्य गेट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन मंत्री के आने से पहले ही सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज और स्पाक्स के लोग इकट्ठे हो गए। सवर्णों के आंदोलन से प्रशासन इतना भयभीत था कि उसने जिला अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के ऊपर कार्यक्रम स्थल बनाया ताकि आंदोलनकारियों को बाहर ही रोका जा सके। सवर्ण समाज के लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने मंत्री के सामने जम के काले झंडे लहराए और उनकी गाड़ी पर भी काले झंडे फेंके। इस दौरान SC ST एक्ट को लेकर मंत्री से सवाल भी किए गए, लेकिन मंत्री चुपचाप बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल गए। बाद में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मंत्री जी ने कार्यक्रम में भाग लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के लाहौर से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड में अवैध रेत खनन को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। कहते हैं स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले ही छात्र चोरी की वारदात को अंजाम दें तो यह सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। होशंगाबाद देहात पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की 3 बाइक, कंप्यूटर, CPU सहित करीब 3.5 लाख रुपए का सामान जब्त कर आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। SP अरविंद सक्सेना ने बताया कि 8 और 9 सितंबर की दरमियानी रात रसूलिया क्षेत्र में स्थित सेंट जेवियर हाई स्कूल में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में रहने वाले कुछ युवक पिछले कुछ दिनों से महंगे शौक कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में पुलिस ने उन पर नज़र रखना शुरू किया और उनसे चोरी का माल बरामद किया। पकड़े गए 3 नाबालिगों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक और सहपाठी का नाम बताया, जिससे पुलिस ने चोरी की 3 बाइक बरामद की है। पकड़े गए 3 नाबालिग रसूलिया क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो पूर्व में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में ही पढ़ाई करते थे। वहीं एक अन्य नाबालिग बाइक चोर इटारसी का रहने वाला है। इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष सराठे होशंगाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, नाबालिग बच्चे हैं जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, क्या है पूरी खबर? शैफाली जी, मैं बता दूं कि ये 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, जो चारों बच्चे नाबालिग हैं जी, और इन्होंने अपने शौकों के चलते इन्होंने चोरी की जी। शुक्रिया आशुतोष। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में।